क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को, और वो मुकाबला भी जब वर्ल्ड कप में हो जाए तो उससे भी ज्यादा सुपरहिट हो जाता है। आम तौर पर तो कहते हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और भारत के बल्लेबाजों के बीच का यह मुकाबला रहता है, लेकिन ये जो मुकाबला यहां पर मंच पर अब होने वाला है वो मुकाबला है सबसे तेज और सबसे घुमावदार के बीच। देखते हैं मंच की इस जंग से क्या निकलकर सामने आता है। स्वागत कीजिए शोएब अख्तर और हरभजन सिंह का। ये मुकाबला क्या शुरू होगा, हरभजन सिंह ने पहले ही कह दिया कि वॉक ओवर दे दे पाकिस्तान। जवाब तो ही ऐसा क्यों बोला? जवाब नहीं देना, जवाब तो आपको देना है, या वॉक ओवर दे दो या जवाब दे दो। मैच कब है? 24 तारीख को जवाब देंगे, वॉक ओवर नहीं देंगे। कहते हैं कि अगर कोई भी चैन कोई भी चीज आपकी जहन में आ जाए, वो मुमकिन हो जाए और आपके दिमाग में चली जाए, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है। तो पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज चली गई है कि हम आपसे जीत सकते हैं। इस बार गई इंशाल्लाह। मतलब अभी गई नहीं, अभी रास्ते में ही है। क्योंकि शोएब तो यहाँ हमारे साथ हैं, तो यही एक ऐसे जो शख्स हैं वो उनके दिमाग में ये चीज डाल सकते हैं कि आप जीत सकते हो इंडिया से। यार सोचो तो सही, एटलीस्ट अगर सोचोगे तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा बट ऐसे माफ करना भाई, मेरा इतना फिट लग रहा है, इसको देख के लग रहा है आज भी 150-160 पे डाल देगा। लेकिन बात यह है कि देखें, आप जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, कोई बिलीव नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया पे है। दिस सिटी इज़ बीन बॉट बाय इंडियंस, स्टेडियम बॉट बाय इंडियंस, आई एम बॉट बाय इंडियंस फॉर अ डे। अच्छा अच्छा, अब इतना प्रेशर, इतना पैसा आपने लोगों ने लगाया है, तो आपको इसको सेविंग कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मेरी बात सुनिए, हम पे बहुत कम प्रेशर है, हम गुस्सा उतारेंगे न्यूजीलैंड पे, आप पे कम है, हमें गुस्सा, हम न्यूजीलैंड में ज़्यादा उतारे, हम उनको नहीं छोड़ना। वो छोड़ के हमें भेजें मिडल ऑफ नोवेयर, ओवर व्हाट, ईमेल पे? वो तो कोई भी कर सकता है यार, इसका मतलब छोड़ के चले जाओगे? नहीं, वो गलत हुआ। हाँ गलत हुआ यार, लेकिन बट ये है कि देखें आप, मुझे एक जो मुझे परेशानी लगी हुई है कि विकटें अच्छी बननी चाहिए, विकटें अच्छी बने। एडवांटेज इंडिया को ये होगा कि इनके लड़के यहाँ पे शारजा, दुबई और अबू धाबी में खेल चुके हैं। डिसएडवांटेज आपको ये होगा, थके होंगे, जोर बहुत लगा है। और अच्छी बात ये कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जहाँ पे 10-15 साल से खेल रहा है, तो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस है, हमारा बैकयार्ड है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी सिलेक्शन, जैसे मैंने बहुत जोर लगाया 3 महीने पहले कि 4 लड़के सेलेक्ट हो जाएं, मलिक फाइनली सेलेक्ट हो चुका है। तो 4 ड्रॉप हुए, वो मैंने कहा 4-2 महीने बाद ये सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा। एक लड़का नहीं माने, शर्जील, वो रह गया था। अच्छा। अब वो अच्छा था यार, अगर वो भी हो जाता सेलेक्ट तो अभी तगड़ा मुकाबला मुझे लग रहा है कि होगा। देखें शोएब मलिक बार बार क्यों चाहिए? हाँ। नहीं, हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए, हमें स्पिनर्स के लिए चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमारे मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट खेलने वाला एक्सपीरियंस हफीज चाहिए। बज्जी जानता है कि मिडिल ओवर में स्पिनर्स आते हैं, हफीज और मलिक वो वाइड प्लेयर हैं जो रन बॉल खेल सकते हैं आपके लिए। तो मुझे लगता था कि यार एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और मैंने इसलिए बैक किया, तो वो फाइनली आ गए हैं माशाल्लाह। शोएब मलिक वाकई गेम चेंजर। अब पता नहीं, मैंने एक ऐड देखी है शोएब मलिक के, उस पर बनी हुई ऐड, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है यार। जो भी है, मजाक पाकिस्तानी बड़ा अच्छा करते हैं ये। और तो बाकी मूड में है आज? नहीं, मैं ये मजाक के मूड में हूं। अच्छा, मैं क्योंकि मलिक दोबारा टीम में आया, इतने सालों से, 4 कहते वो हो गए, 40 साल हो गए, 40 साल से खेल रहा मलिक, वो 22 से 23 साल से, 22-23 साल, मतलब वो छुट्टियाँ, एक वो स्पिनर 22-23 साल से खेल रहा, तू 4 साल पहले रिटायरमेंट लग चुका। कुछ शर्म कर यार, अच्छा अट्टा कटा है अभी आईपीएल में नजर आता मुझे। नहीं मैं खेल रहा हूँ, कल भी टीम का मैं मेंटर में ही था। हैं मेंटल? हाँ मेंटर। अच्छा मेंटोर। मेंटोर। अच्छा सॉरी, आई एम नॉट एज गुड भज्जी अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी में बात करनी है तो फिर अंग्रेजी में तो ये नंबर 1 हमारे। दो पंजाबी अंग्रेजी में क्या बात करें, बस सोच लड़ाई होएगी। यार सबरी से कमरा क्या भाई, मुझे कमरे में मिलता है ये अक्सर। अभी यहाँ पे उल्टी सी बात करें, मैं सीधा कमरे में जाऊंगा इसके। किस? अच्छा इन बच्चे के। मुझे लगा किसके कमरे में? अरे मैं सीधा छलांग मारूंगा इसके ऊपर। इसको पता है कि मैं उंगलियां मोड़ने में बहुत तेज हूँ। हाँ, ये उंगलियां मोड़ने में बहुत तेज हूँ मैं। लेकिन ये कि मेरा छोटा भाई है, मैं ये समझता हूँ कि
देखिए मैं भाई ये पता नहीं बार बार मुझे क्यों ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा तगड़ा मुकाबला देगा, आपको बहुत तगड़ा मुकाबला देगा, ना भी दिया तो न्यूजीलैंड तो हमारे हत्थे चढ़ेगा ही ना। हमें कोई फिक्र नहीं है, आपके साथ हमारा कुछ नहीं इस दफ़ा, यकीन जानिए। हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना, तू गए हो क्यों वापस भाई, हमने छोड़ना नहीं तुझे। तो हमने मार्टिन गप्टिल की वो जो ईमेल है वो भी हैक कर लिया हमने, अब अच्छी अच्छी ईमेल्स भेज रहे हैं हम उसको। क्यों ऐसे क्यों भाई? पर वाकई लगता है कि पाकिस्तान हरा पाएगा भारत? यार देखो 50-50 है, मैं समझता हूँ यार। देखो ये इस दिन का प्रेशर तो बहुत है, प्रेशर पाकिस्तानियों पे कम है, क्योंकि यार पहले तो ये देखो ना, पूरा स्टेडियम नीला हुआ है, पूरा स्टेडियम नीला हुआ है, वो आप लोगों ने लिया हुआ ना, आप हमें बॉक्स लेने दे रहे हो ना टिकटें लेने दे रहे हो, आप सब कुछ तो आपने खरीद लिया है। अच्छा भी जनता भी आपकी, टीवी भी आपका, स्टार स्पोर्ट भी हैंडल कर रही है, ठीक है जी। हमें किसी की परेशानी है यार, अगर हार भी गए तो। टिकट की बात आप करते हैं तो हमेशा भज्जी की वो कहानी याद आ जाती है, भज्जी ने बहुत जगह सुनाई। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट एट स्टेक फॉर इंडिया, बिकॉज अगर देखें पाकिस्तान इफ बैट फर्स्ट, अगर पाकिस्तान 180+ कर जाता है, अगर प्लस 180+ कर गया तो यकीन जानिए ये प्रेशर ये वाइज चीज़ है जो बड़े बड़े पैरों को नकारा कर जाती है। सो मुझे लगता है कि यू नो इंडिया कैन हैंडल प्रेशर बेटर देन पाकिस्तान, दैट्स फाइन, बट व्हाट इफ पाकिस्तान सरप्राइजेज यू? ये बहुत सारे अगर, बहुत सारे व्हाट इफ नहीं आ रहे हैं बात? हाँ आ तो रहे हैं, लेकिन 24 तारीख भी तो आ रही है, अगर 24 तारीख को हम जीत गए फिर बस उस दिन फिर आप जो कहोगे वो होगा। बट नहीं नहीं नहीं, हम आपसे लाड करेंगे जी, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तरह अभी कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने आपसे पूरा लाड किया, आपको मुबारकबाद दी, आपने बहुत अच्छा खेला। पर हारने के बाद और मुझे एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, कप्तान की किस्मत, अ कैप्टन्स लक, यू नो इट्स नॉट फेवरेबल ऑन विराट कोहली साइड। यू नो मुझे क्यों बार बार लगता है कि विराट कोहली इज अ सच अ ग्रेट क्रिकेटर एंड इज अ सच अ ग्रेट गाय, और सम हाउ इज अ कैप्टन इज लक इज नॉट स्ट्राइकिंग, आई होप इट डजंट स्ट्राइक ऑन 24th। तो हम जीत जाएं। देखें अब धोनी मेंटोर आ गए हैं, हाँ। तो लक धोनी के साथ हमेशा खड़ी रहती है, और धोनी से बात कर लूंगा मैं, इस दफा छोड़ दे भाई। धोनी से नहीं, धोनी की किस्मत से बात करनी हो वो कर ली हमने, वो हमने रिटायर करा लिया उसको। अच्छा सुने ना, देखिए बात सुने, हम डाउन एंड अबाउट हैं, पाकिस्तान से टीमें चली गई, हमारा समवेयर डाउन योर हार्ट ना, समवेयर डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट ना, आपका दिल कहता ही है यार पाकिस्तान टीमें चली गई हैं, क्रिकेट नीचे लग गई है, 15 साल बाद टीमें आ रही थी वो चली गई हैं। हर इंडियन के दिल के कोने में ये दर्द ज़रूर है यार, ये ज्यादती हुई पाकिस्तान का, 24 को ज्यादती ना हो, जीतने दो। ज़्यादती मतलब अगर हम पाकिस्तान को हरा दें तो वो ज़्यादती है। नहीं हरा कहाँ से दोगे, अभी खेलना बाकी है भाई। नहीं पर वो ज्यादती कैसे हो जाएगी? नहीं आप हाँ। वो एक बात जो आप स्किप कर रहे हैं बार बार, हरभजन ने एक कहानी बहुत बार सुनाई है और बहुत अच्छे से सुनाते हैं वो, जब शोएब अख्तर ने उनसे टिकट मांगा था वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप का। आपकी साइड ऑफ द स्टोरी कभी नहीं सुनी सर, मैं आज भी टिकट आपसे ही मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, उस दिन आपसे ही मांग रहा हूँ, इंडियन से ही मांग रहा हूँ। नहीं उस दिन वाली कहानी बताओ ना, क्या हुआ था? वो इतनी कहानियां मेरी यार, तेरी मेरी इतनी कहानियां, मैं तो फिर भी ड्रेसिंग में मार रहा हूँ, तू तो ग्राउंड में मार रहा है लड़कों को। इतना तो मुझसे क्यों इंप्रेस हो गया था? मेंटोर ऐसे मेंटोर है। अच्छा लोग हमें मेंटोर कम मेंटल ज्यादा समझते थे। नहीं वो ही बात सही यार। अच्छा ये बाकी उंगलियां मरोड़ने में बड़े माहिर हैं, इन्होंने एक बार अफरीदी की भी उंगलियां मरोड़ पसलियां मरोड़ दी। वो इकलौता वाहिद ऐसा स्पिनर था या बॉलर था उन दिनों जो विकेट ले रहा था पाकिस्तान के लिए, इसने उसकी कमर तोड़ की, पाकिस्तान 4-1 से हार गया। अच्छा इसके पास इतनी स्टोरियां हैं ना इंडियन टीम्स की, इंजी भाई को ये बात ही नहीं पता थी। कहते यार लाला तू इतनी तेज बॉलिंग करता था, अभी फ्लाइटें को कर रहा है, वो कैसे बताया कि उसकी पसलियां तो इसने तोड़ दी है। नहीं मेरी जफ्फी है ना, जफ्फी मैं ज़रा जानदार सी देता हूँ यार, वो मैं प्यार करता हूँ मैं आराम से, जैसे मैं करता हूँ भज्जी के साथ, युवराज के साथ, तो मैंने प्यार किया, ज़ोर से पटाखा निकाल दिया उसकी पसली का, वो पसली फ्रैक्चर हो गई यार उसकी, तो वो बॉलिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा फरीदी प्लीज़ शिकायत ना लगाइए, मुझे बाहर कर देगा इंतजाम। कहता है भाई फिक्र ना कर, कोई शिकायत नहीं लगाऊंगा। 10 मिनट बाद मुझे हाजिरी लगा दी थी, मैं शिकायत होगी मेरी। लेकिन भज्जी के पास इतनी स्टोरीज हैं इंडियंस की, लेकिन ये बताएगा नहीं। आप बताओ ना। हाँ छोड़ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं आपने भी बड़े भाई इंडिया में थोड़े दिन नहीं बिताए हैं, बड़ी कहानी है ये। उतने दिन शायद हम नहीं अपने घरों में रहे हैं जितने ये वहाँ पे आके हिंदुस्तान में रहे हैं। हाँ मुझे स्टार स्पोर्ट्स वाले कहते थे आधार कार्ड बना ले। मैंने कहा यार मुझे घर में जाना, कहते यही शिफ्ट हो जाना। क्रिकेट की तरफ लौटते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच की तरफ जी। थोड़ी देर मजाक रोक कर और थोड़ी देर जरा इस बात को देखें
कि अभी तक शोएब हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी ये क्लीशे हो गया था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इंडिया के बैट्समैन, पर अब इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो दुनिया में टॉप हैं। जी बिल्कुल, मुझे तो पर्सनली बहुत इंडिया के फास्ट बॉलर अच्छे लगते हैं, और मुझे मैंने जब मैं बहुत मैं हिंदुस्तान में था, काम कर रहा था, तो मेरी बहुत अक्सर इंट्रैक्शन होती थी फास्ट बॉलर्स के साथ। तो और मैंने एक दिन आपके ऑलराउंडर थे, मैंने उनसे उनकी बैक पकड़ कर उनको रब करके समझा रहा था कि आपकी बैक के मसल नहीं है, आप टूट जाओगे, तो आप अपनी बैक पर तवज्जो दो यार। तो उसी मैच में वो टूट भी गए, और पिछले 2-3 साल से उनकी बैक का मसला चल रहा है। यू नो बुमराह लाइक क्लाशनकोफ है, वो हर टाइम लोड हो के बॉल करता है, सो चैम्बर में गोली जैसे जाती है ना, उसका बैक पे ऐसे लोडिंग होती है, फिर वो स्नैप करता है। तो मैं देख रहा था, मैंने 2 साल पहले कहा था कि इसकी बैक टूट जाएगी, तो उसको केयरफुली खिलाएं आप। सो फाइनली इंडिया हैज़ मैनेज्ड बिकॉज ऑफ विराट कोहली, बिकॉज वो बॉलर्स कैप्टन है, उसको मज़ा आता है जीतने का। वो जीत इसी चीज सकता है कि वो विकटें लेगा, जब वो विकटें लेगा तो वो विकटें कैसे लेगा, स्पिनर्स के थ्रू या फास्ट बॉलर्स के थ्रू। तो फाइनली अग्रेसिव माइंडसेट जो अप्लाई किया गया, और फिर जो आपका काम किया गया नीचे आपके ग्रास रूट लेवल पे आपके, वो बहुत अमेजिंग काम है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, आपने आपने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया, आपके लड़के बीच में आए, राहुल ड्रेविड को आपने बहुत यूटिलाइज किया, हरभजन इज़ यू नो इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, यू नो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर दैट यू हैव सीन इन लास्ट 20 ईयर्स, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये हैं, ये बात क्रिकेटर बहुत अच्छी बात करते हैं। आई मीन मैंने बहुत कम देखे, मैं कुछ इंडियन से बात कर रहा था, यंगस्टर से, वो इतनी मैच्योर बात करते हैं, तो इट्स रियली यू नो हैप्पी टू सी दैट, यू नो कि ये इतने मेंटली मैच्योर है। जब वो टीम में आते हैं और जब उनको कप्तान विराट कोहली जैसा मिलता है, और पता नहीं अब अगला कप्तान कौन होगा आपका आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, बट मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि ये बहुत अच्छे माइंड सेट के अच्छा ब्रांड तैयार हो रहा है। और आप जिस तरह आपका स्पोर्ट्स सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में, I've worked with you guys many occasion and I've been in Mumbai for 3-4 years, so I really like enjoy the sports system. और उस लड़के जो लड़का ऊपर आ रहा है फास्ट बॉलर से ऊपर है, वो कैश इन कर रहा है, लेकिन इतनी ज़िम्मेदारी है श्वेता, इतनी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर कि वो IPL भी खेलेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, पर अपना बजे अब सर्कुलेट तो हो रहा है, अब तो मतलब वो रेस्ट करके फिर इस्तेमाल करके वो तो हो रहा है। मतलब भले ही शोएब आपको ये लग रहा हो कि टीम उतरेगी तो टायर्ड रहेगी, पर हमारा जो मेन स्टे है वो तो इन दोनों मैचेस कम से कम इस स्टेज में विराट कोहली रेस्टेड है, रोहित शर्मा रेस्टेड है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि T20 इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे काफ़ी समय के लिए ना आपको टाइम मिल जाता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लड़के में फटीक रहेगी, थके रहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय मिल गया है बीच में। IPL ख़त्म हुआ तो 8-9 दिन का ब्रेक है अगर देखा जाए तो कायदे से, तो उन दिनों में ये जो फिटनेस लेवल पहले हुआ करता था और आज की जो फिटनेस लेवल है भारतीय टीम की, आप देखोगे पहले वी यूज़ टू सी साउथ अफ्रीकन कैसी फील्डिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कैसी फील्डिंग करते हैं, वी यूज़ टू ओनली विश कि यार कभी हमारे पास ऐसे फील्डर्स हों। एंड नाउ इफ़ आई लुक बैक, अब अगर वो ज़माना देखूँ और अब देखूँ तो लगता है कि यार वी आर फार बेटर देन साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड एनी वन, इफ़ आई सी यू नो अजिंक्य रहाने, विराट कोहली टू एनीवन हु फील्स, मतलब बॉल को निकलने नहीं देते हैं। तो फिटनेस वाइज या फटीक वाइज मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन टीम अब उस लेवल पे है, क्योंकि जो फिटनेस पहले थी और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे शोएब से, फास्ट बॉलर एक ज़माना ऐसा था कि हम कहते थे कि यार काश कभी एक दिन ऐसा हो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, तो इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अगर हमें मिल जाए तो हम दुनिया जीत लेंगे। बट आज इतना काम हुआ है, यू नो, एंड वी आर सो प्राउड दैट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। मोहम्मद शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, आप देखिए उमेश यादव को मौका कम मिलता है, जब मौका मिलता है वो विकेट निकालता है। एंड अभी आप देखेंगे सिराज और उनके अलावा जितने भी सैनी जितने बॉलर हैं 150 के करीब बॉलिंग करते हैं। उमरान मलिक कौन है लड़का नया जो है? उमरान मलिक भी है, जम्मू कश्मीर का लड़का है, 150 की स्पीड से क्विक, वेरी क्विक, अच्छा शार्प, बिल्कुल वकार यूनुस की तरह एक्शन है, बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बॉलर है। मैंने ट्विटर पे देखा था उनको, देखा नहीं। क्या है कि हमारे ये ट्रेडिशन बिल्कुल बदल गया है, एंड दैट्स प्रोबेबली द रीजन इंडिया इज विनिंग अब्रॉड। जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था हमारे पास जहीर खान था, इकलौता ऐसा बॉलर जो घोड़ा एक तरफ से लगा रहता था,
और साथ में सपोर्ट नहीं मिलती थी। श्रीशांत बीच में आया, वो थोड़े सालों के लिए रहा, फिर निकल गया। बट हमारे पास कभी ऐसे फास्ट बॉलर नहीं थे। नाउ वी हैव द लक्ज़री। मीडियम पेसर्स को फास्ट बॉलर बोलकर संतोष किया जाता था, पर बिल्कुल उस समय एक वो तो रहता था कि अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जा रहा है तो मतलब शोएब अख्तर वाला पेस। आपको खुशी होती है अगर आप देखते हैं इंडिया में इस पेस को निकालते हुए लड़कों को? देखिए, मुझे तो खुशी होती है किसी भी जगह का बच्चा हो, किसी भी रेस कास्ट क्रीड का भी हो, वो क्रिकेटर है, उसे हम सपोर्ट करें ही करें। और मुझे खुशी ये होती है कि आप लिबरेट करते हो, इंडिया इंजॉयज द टैलेंट, इंडिया सेलिब्रेट्स द टैलेंट क्रॉस द बॉर्डर विद इन, और आप चांस देते हो और सिस्टम आपका इतना अच्छा है कि उसको ऊपर आने देते हो। कोई भी आपके कल्चर में अच्छा है, वो ऊपर आया है, वो शाइन किया है, अगर वो खुद बेवकूफ़ी करता है, वो निकलता है बाहर, तो उसकी उसको सिस्टम को ब्लेम मत करें। बिकॉज अमाउंट ऑफ इंडिया, जितना मैंने ट्रैवल किया, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, मैंने आपके सोचा, फिर मैंने बताया घर वालों को और अपने घर मुल्क वालों को बताता हूँ, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। जो भी कोई क्रीम होती है आप उठा लेते हो, उसको आप ऊपर ले आते हो, उसको पैसा देते हो, उसको सारा, अगर उसको समझाते भी हो, अगर वो स्याणा हो तो वो थ्राइव करेगा, शाइन करेगा। ब्रांड सचिन था, मैंने रोहित शर्मा से, मैंने 2013 में कहा था, यार तेरे जैसा बैट्समैन इस वक्त इंडिया टीम में नहीं है। मैं आज भी यही कहता हूँ, मैं कहा तेरी टाइमिंग जैसा बैट्समैन नहीं है भाई, तू सुपरस्टार होना चाहिए था। पर पाकिस्तान क्यों हमेशा एक टेम्परमेंटल टीम रह गई कि मतलब ऑन अ गुड डे वो कुछ भी कर सकते हैं? ये तो कभी भी एक कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी किसी टीम में, क्यों नहीं पाकिस्तान कंसिस्टेंट हो पाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारी बैटिंग लेट डाउन करती थी, बजी को पता है। हमारी बॉलिंग कभी लेट डाउन नहीं किया, हमने बॉलिंग से बहुत मैच जिताए। अगर आप मुआवजना करेंगे ना पाकिस्तान की बॉलिंग का, तो पाकिस्तान कंसिस्टेंटली आपको मैच जिताए। इट इज जस्ट द बैटिंग दैट यू जस्ट यू नो बिकॉज वी सफर्ड बिकॉज द बैटिंग। आप दोनों को ऑफ द फील्ड देखते हैं तो बहुत दोस्ती जो दिखती है वो अलग होती है। वो कौन सा प्रोफेशनलिज्म होता है और वो कौन सी अचानक एक अलग भज्जी वहाँ मैदान में नजर आ जाते हैं, या फिर शोएब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है? और आप लोगों ने तो मुकाबलों का मुकाबला खेला है जो कि वर्ल्ड कप में आमने सामने। तो आप सवाल, सॉरी मैं समझा नहीं श्वेता, अगर नहीं मतलब वो कैसे होता है पीछे इतनी इतना मजाक दिख जाता है, दोस्ती दिख जाती है? ये सीरियस हो जाता है? नहीं ये सीरियस हो जाता है, हमने तो कभी सीरियस लिया ही नहीं। नहीं नहीं, ग्राउंड पे तो हम चाहते हैं भाई सीरियस ले। पता नहीं क्या है, कसम से ऐसे सीरियस हो जाता है भाई। नहीं एक बंदे की फिटनेस रही यार, नहीं टांग काम करे, छक्का मार रहा है यार, इंसान बनो, तो क्या टेलेंडर होके अब डिफेंस थोड़ी करूंगा अगर बॉल वहां पे है। अच्छा मुझे मिडॉन से किसी आवाज दी, बीमर कर दे। नहीं नहीं शुक्र, अच्छा नहीं किया तुमने, उसकी नहीं बात सुन मेरी बात। पता मैंने क्यों नहीं किया बीमर, मैं पता क्या सोच रहा था रनअप के बाद, जब मैंने छक्का मारा तो मैंने कहा यार मैं भागा तो जा नहीं रहा मुझसे, तो मैं इसको मारूं कैसे? तो मिडॉन से आवाज़ नाम लेता लड़के, क्या भाई इधर सीधा मुंह पे मार दे, पीछे हट रहा तो सीधा मुंह पे मार दे। मैंने कहा यही गलती मैंने धोनी के खिलाफ की थी फैसलाबाद में, जान के बीमर किया था मैं बहुत गुस्से में आ गया था। और वो इतना अच्छा बंदा है धोनी, रियली रिस्पेक्ट हिम, बहुत अच्छा बंदा है। तो मैंने उसको मैंने ये हरकत कर दी, तो आई फेल्ट वेरी वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत बुरा लगा अपने बारे में, मैंने ऐसा क्यों किया यार? वो अच्छा प्लेयर, अगर तुम्हें छक्का मार सकता तो मार रहा है ना, अगर वो अच्छा खेल रहा तो खेल रहा है ना यार, तुम क्यों विकेट से हट के उसे सीधा मारने की कोशिश कर रहे हो? वो लग जाता धोनी को तो वो 2005 में ही 2-3-5 हो जाता। तो यकीन जाने वो बहुत बड़ी गलती की। तो मैं सोच रहा था भजन को मारूं, खैर पंजाबी भाई है माफ़ कर देगा, लेकिन मैंने किया नहीं। अच्छा मैंने यकीन कर नहीं किया, शुक्र है नहीं किया। मुझे तो था कि बीमर से ज़्यादा ना ऐसा ना करे कि भाग के आके सीधा मेरे में बच जाए, सोचा ही था, ये ऑप्शन ली थी मैंने कि अगर मेरे में टक्कर मार दी ना ट्रक से ज़्यादा चोट मुझे वह लग जाती। मैं विक्रांत में ऑप्शन सोच रहा था, मैं ऑप्शन सोच रहा था कि मैं होटल में कैसे इसको मिलूंगा, पूल में कैसे इसको डुबाऊंगा, मैं इसके पाँव गिट्टे पे बल्ला कैसे मारूंगा। अच्छा मेरी प्रैक्टिस काफ़ी बल्ला मारना है, तो मैं मिस भी नहीं होना इसने। तो मैं वैसे सोच रहा था बॉलिंग, मेरा हार्ट रेट जो था मेरा 190 प्लस जाता है, तो मेरा ब्लड टेम्परेचर वो 103 होता है बॉलिंग करते हुए, तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, पपिया करूँगा आपको आगे? तो मुझे ऑब्वियसली तो मेरा दिमाग नहीं काम करता। तो मेरी बेगम है मेरे साथ ट्रेनिंग पे जाती हैं रनिंग करने, तो वो जब वो रनिंग हम कर लेते हैं स्प्रिंट वर्क कर लेते हैं बच्चे कर लेते हैं, तो वो उससे 20 मिनट दूर रहते हैं, ठंडा हो जा फिर हम तुम्हारे पास आएंगे। तो मैं उनको पढ़ जाता हूँ, वो भाई को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। सिर्फ इंडिया मैच की बात नहीं है ये, किसी मेरे जनरल मेरा थोड़ा सिस्टम आउट है। चलो माना तो सही, आज पहली बार मान लिया कि सिस्टम आउट है, लेकिन ऑफ द फील्ड में बहुत अच्छा आदमी है यार, पूछ लो इससे। बंदा बहुत बढ़िया है, और मजाक मजाक की बात,
खुल के तारीफ कर, खुल के तारीफ कर, बंदे बंदा बहुत बढ़िया है। और जब जब हम पाकिस्तान गए हैं खेलने के लिए, ये इसने हमारे वैसा काम किया जो एक बड़ा भाई करता है, यू नो ही रियली लुक्ड आफ्टर अस। कभी हमें किसी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत हो तो ये बंदा वहाँ मौजूद रहता था कि हाँ भाई क्या चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। बट हाँ, मैदान में आते पता नहीं इसको क्या होता था, भगवान जाने, एकदम से अलग बंदा हो जाता था। अभी टॉस हो रही है, उससे पहले बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चुटकुले बहुत सुनाता है, बड़े इतने ज़्यादा इसके पास चुटकुले हैं, मतलब किताबें ख़त्म हो जाएंगी इसके चुटकुले नहीं ख़त्म होंगे। और हर एक चुटकुला नया, ऐसा नहीं कि सुना हुआ होगा आपने, बाबे आजम के ज़माने का नहीं, अब का नया। अभी भी चाहे तो दो चार सुना देगा, बट शायद वो नहीं, मेरे पास दो दिन है। नहीं, मैं सारी जिंदगी ऑफ द फील्ड मैं कितना कंफर्टेबल रहा हूँ। मैंने ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक दो बार लड़ाई की श्वेता। मैं फेमस इसलिए हो गया कि मैंने एक दफा बल्ला मारा तो मैं लगा कि यार बहुत लड़ता है। अब बच्ची से पूछ लें, मैं कभी भी नहीं लड़ा ड्रेसिंग रूम में, मैं कभी लेट भी नहीं हुआ। लेकिन मेरी रेपुटेशन ऐसी माशाल्लाह बिल्ड कर दी गई कि मैं बहुत बैड बॉय हूँ क्रिकेट का, और मुझे शायद ये लगता है कि मैं बहुत पार्टी करता हूँ। हाँ, मैं यंग डेज में जाता रहा हूँ बाहर, और माशाल्लाह भज्जी ने कोई क्लब मिस नहीं किया यहाँ दुबई का भी लेकिन तो ये भी जाते रहे हैं माशाल्लाह, और सारी टीम जाती रही है। सारे जो शरूफा बने हुए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, ये सारे इस छुपे रुस्ते में सब जाते हैं पार्टियां करते। अच्छा, मैं पार्टी की बात बताता हूँ। एक बार हम लोग इकट्ठे बाहर गए, इकट्ठे बाहर गए, भाई साहब ने बड़ा तगड़ा सूट पहना है। कहाँ पर? इंडिया में, पाकिस्तान? इंग्लैंड में। इंग्लैंड बाहर गए, इकट्ठे बाहर गए, और एक घड़ी तो पहनी हुई इधर, उसका टाइम एक ही दिखा रहा है, 10 बजे हुए जी। जब घड़ी देखे, अभी तो 10 ही बजे, रुक जाओ यार। और ये घड़ी बांधी हुई इधर गिट्टे पे, थोड़ी देर बाद पैंट उठा के देखे, कितना 4:30 हो गए ये ऐसा बंदा। और पार्टी अगर करनी है तो शोएब अख्तर को पता है कहाँ जाना है। तो ये जो बात कर रहा है ना कि सारे जाते थे, लेके कौन जाता? कप्तान यही था। अब जिसके पास पैसा होगा वही लेके जाएगा ना। चलो, मैं तो कहता हूँ पैसे की बात नहीं होती, दिल होता। इसका आधा पैसा मुझे पास हो ना, मैं कसम टीवी से काम खत्म कर दूँ इतना पैसा से आईपीएल में। एक तो जब हमने आईपीएल शुरू किया या हमारे पैसे बनाने की बारी आई पाकिस्तानी, कभी 2008 में आईपीएल बंद हो जाए, कभी 2016 में बंद हो जाए। आखिर अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तानी पैसा क्यों ना कमाए, पूरी दुनिया कमाएगी। मैं ब्रेट लिए काम कर रहे हैं, मजे की बात बताता हूँ। मैं कहा ब्रेट देख, मैं जा रहा हूँ, तेरी बारी है। कहता क्या कह रहा है, मतलब व्हाट यू सेइंग? मैं क्या, लिसन, मेक श्योर द टू एडवाइजर्स पे योर टैक्सेस, डोंट गेट इन्वॉल्व विद द पुलिस इफ दे कैच यू फॉर एनीथिंग रीजन, एनीथिंग अनरीजनेबल। I am also police, by the way. You police? Yes. Oh, chal. Punjab police. Chal, Punjab police. Tu police. Dekhe, gunda baar aa gaya. Gunda baar aa gaya. So, maine kaha, Brett, dekh, hamare naseeb mein itne the, jitna humne kamaya. Brett, Allah tujhe khush rakhe. Kama beta, jitna kama sakta. Wo aisa laga hai, wo ghar hi nahi jata. But, Shoaib, ek na, on a serious note. I'm really happy to see him. Just take, on a serious note. You know, hame koi dikkat nahi hai. किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। यू नो लॉट ऑफ पीपल लव्स यू गाइस देयर बैक होम, यू नो दैट, कि योर कमेंट्री वाज वेरी वेरी फेमस, और वैसे भी बड़े बंदे प्यार करते हैं। बट दिक्कत तब होती है जब किसी भी मुद्दे पे कोई भी एक क्रिकेटर उठ के हिंदुस्तान की बदनामी करता है, हमारे झंडे की बदनामी करता है, तो हमें सबको दिक्कत है। अब मैं, मेरे सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारा आपस में कितना प्यार है वो हम जानते हैं, बट हमारे लोगों को उस प्यार से गुस्सा तब आता है जब कोई एक बेतुका आदमी उठ के हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे दाग लगाता है कि ये कश्मीर हमारा है या वो हमारा है या ये हमारा है। भाई, वो जिनका मुद्दा है उनको संभालने दो, हमें उसमें नहीं जाना। हमारा कद उतना बड़ा नहीं है कि हम उन मुद्दों में घुसें। हम क्रिकेटर हैं, हम क्रिकेटर बन के रहें, हमें पाकिस्तान से भी प्यार मिला है, आपको हिंदुस्तान से भी प्यार मिला है, तो हम वो प्यार को क्यों ना बांटें? किसकी बात कर रहे हो? मैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ से, मैं समझा नहीं किसके रेफरेंस की। सेमीफाइनल के बाद जब बहुत से ऐसे लोग हैं, सेमीफाइनल के बाद इस मुद्दे को उठाया गया था, शायद अफरीदी ने भी उसके बाद काफी कुछ कहा था। अच्छा, नहीं, अब देखो, बात एक बंदा करता है तो उसमें पिस्ते सब हैं। लोग कहते हैं कि आप शोएब अख्तर के साथ बातें करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो? शोएब अख्तर से बोलचाल बंद कर दो क्योंकि वो पाकिस्तानी है। ओए, हाँ जी, क्योंकि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से अगर आप हमारे झंडे की तोहीन करोगे, हमारे मुल्क की तोहीन करोगे, तो वो तो अफरीदी ने झंडा सीधा करके दिया था। विक्रांत भी वहीं पे था, सेंट मॉरिस में, वो झंडा इंडियन तिरंगा आपका नीचे गिरा हुआ था, तो उसने उठा के सीधा किया। बड़ी अच्छी बात है, देखो, जो उसने सीधा किया, मुझे याद है वो तस्वीर, याद है ना आपको? तो आपके पास था ना, तो उसने सीधा भी किया था, वो बड़ी हाईलाइट हुई थी खबर भी।
तो अफरीदी के बिहाफ पे मैं जवाब नहीं दे सकता, वैसा क्यों क्यों कहा उन्होंने, क्यों रेफरेंस दिया। जहाँ तक मेरी बात है, आप मुझसे पूछ लीजिए। देखिए, मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि दिल में नफ़रत रह के आपके पास हूँ या मैं आपकी नफ़रत में आपके बात करूँ। मुझे ना हिंदुओं से नफरत, मैं आप मुझे जानते हो अच्छी तरह, मुझे ना किसी कास्ट से, ना क्रीड से, ना मैं किसी मज़हब से मतलब नहीं। मैं आपको जानता हूँ, आप बता दो सबको हाँ कि व्हाट यू फील अबाउट इंडिया, व्हाट डू यू फील अबाउट इंडियन पीपल एंड वी आर वन। मतलब अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब हम एक जैसे दिखते हैं, एंड वाई डू वी हैव सो मच ऑफ कि इतनी नफरत, इसलिए क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लग गए इसलिए, या फिर हम बेतुका एक दूसरे को बातें बोलते हैं चिढ़ाने के लिए, ये क्यों है? अब भाजी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा इसमें, बिकॉज वी गॉट गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है, हम उस पर बिलीव करते हैं, टू नेशन थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना मैम तो वो बहुत बहुत दूर निकल जाएगी। मेरी बात, मैं हमेशा बिलीव ही करता हूँ, जितना मुझे प्यार हिंदुस्तान में मिला, मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तानी को इतना प्यार मिला होगा। मैं नहीं समझता कि मुझसे ज़्यादा कोई फेमस पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में होगा। मैं ये मानता भी हूँ, जानता हूँ, और मैं ये भी बात लाउड एंड ओपन कहता हूँ, पाकिस्तान में जाकर मुझे मीडिया भी हिंदुस्तान ने सिखाया। मुझे लगता है क्रिकेट लवर्स जो अच्छे मुकाबलों को देखना चाहते हैं, लेकिन अब अगेन उसका भी एक बैकग्राउंड है कि क्यों नहीं, पर क्या ये एक वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में सामने आने पर क्या मायने रह जाते हैं? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दो ऐसी टीमें जिनमें गिनती के खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हों। मैं एक बात बताऊं श्वेता, मुझे ये लगता है कि रेवेन्यू को छोड़ दें, टीआरपी को छोड़ दें, आपकी टीआरपी को छोड़ दें, स्टार स्पोर्ट की छोड़ दें, हमारा छोड़ दें, सारा मीडिया एक्टिविटी छोड़ दें, बट मुझे जो खुशी ये होती है इस मैच की वजह से हमारी यंगर जनरेशन बॉल पकड़ना शुरू हो जाती है। वो चाहे आपकी तरफ से हो, वो भी हमारे बच्चे हैं या हमारे बच्चे हों, वो टैलेंट एक दफ़ा मौका ढूंढ रहा होता है कि काश क्लैश ये हो जाए, इस क्लैश में अपने हीरोज तलाश करता है। वो बाबर आजम है हमारी तरफ, बाबर आजम भी अच्छा खेलता तो आपको भी अच्छा लगता है ना, विराट कोहली खेलता अच्छा तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन वो हीरोज तैयार हो रहे होते हैं। ये बेसिकली मुकाबला इन दिनों के लिए होता है। जैसे नेहरू कप में मेरे ख्याल में 84 था नेहरू कप, जब हम जीते असलम मलिक साहब ने, असलम अली साहब ने अच्छी इनिंग्स खेली थी। जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। ये वर्ल्ड कप उन बच्चों के लिए होते हैं जो क्रिकेट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इनको मौका चाहिए होता है। तो मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान मैचेस इसलिए होने चाहिए और फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, अल्लाह करे ऐसा हो। देखिए, हमारे बस में तो है नहीं, हुकूमतों के नैरेटिव्स हैं, जब वो सेटल हो जाएंगे, मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में हम किसी टर्म्स पे आ सकते हैं। दुनिया टर्म्स पे आ रही है, इकोनॉमिकली आ रही है टर्म्स पे, स्टेक्स आर गेटिंग हायर फॉर अमेरिकन्स एंड फॉर रशियन, फॉर इरानियंस, फॉर इंडियंस, द वर्ल्ड इज़ बाय रन बाय इकोनॉमिक्स, सो ultimately we have to come to the terms, you know, we have to sit down. So mujhe lagta hai ki in times to come, meri ye prediction ke 2-3 saal mein hamare talukat theek ho jayenge aur series frequently hongi aur hamari generation ko mauka milega ki wapas hum hindustan ja ke khele ya hindustan pakistan aake khele. Bhaji, ek samay tha jab india aur pakistan ki teamon ko aamne samne rakh kar ye dekha jata tha kisme kitna dam hai, to waqai aankhne ke liye bahut sari cheeze hoti thi. Aapko lagta hai ki ab ye overrated ho gaya hai? India versus pakistan sirf ek unpredictable mukabla, ek दबाव वाला मुकाबला समझें या वाकई कांटे की टक्कर? देखिए, कोई एक समय था जब पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी टीम थी और हमारी टीम भी बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, और मुकाबला होता तो बराबर का मुकाबला होता था। बट रिसेंटली देखा जाए तो पिछले कुछ 10 या 12 साल से पाकिस्तान का स्तर जो क्रिकेट का है, जो मेरी नज़र में, कि आई माइट बी रॉन्ग, काफ़ी नीचे गिर गया। अगर बैटिंग देखी जाए तो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, कोई ऐसे बल्लेबाज आए नहीं है जो लगें कि आके रन बना सके। टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली अगर मैं बात करूं, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कोई भी आके रन बना सकता है, और उसमें ऑब्वियसली कभी कभार कोई ना कोई आके रन मार देता है। बट 12-15 साल में स्तर मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट का काफ़ी नीचे गया है। अगर एक समय, उस समय की बात करें जब वो 98 की बात है, जब अनिल भाई ने 10 विकेट लिए थे, उस पाकिस्तान टीम को अगर मैं देखूं जहां साईद अनवर जैसे बल्लेबाज, इंजमामुल हक जैसे बल्लेबाज, सलीम मलिक साहब जैसे बल्लेबाज, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाज, और बॉलिंग की बात करूं तो वसीम भाई, वकार यूनिस, सकलेन मुश्ताक, मतलब क्या टीम थी वो। उस टीम के साथ खेलने में लगता था कि वाह, ये टीम है, कोई टीम है, कि मतलब इनको अगर हराना है तो दम खम लगाना पड़ेगा। और आज अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुझे ऐसा वो लगता नहीं कि वो कंपीट कर पाएगी इंडिया के साथ, क्योंकि वो एक या दो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम में, बाकी वो है नहीं। पर इंडिया का अगर
सही माने में कोई मुकाबला अगर कोई करता है, मुझे लगता है या वो इंग्लैंड की टीम है या फिर वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो इंडिया का ठीक तरीके से मुकाबला आज की तारीख में करती है। पाकिस्तान का कोई एक्स फैक्टर है शोएब? क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप को भी अगर हम देख लें तो कम से कम नामों के हिसाब से भी कई नाम ऐसे हो जाते थे जिससे लगता था कि हाँ इससे चैलेंज हो सकता है, एक मुकाबला होगा शोएब वर्सेस सचिन, ऐसी चीज़ें होती थी, पर अभी तो ऐसी बात ही नहीं। देखिए देखिए 85 से लेके ना हम 2000 हमने रूल किया है, दो वी डिड नॉट विन इन बिटवीन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप्स, उसमें 92 वर्ल्ड कप जीते हैं, 96 का क्वार्टर फाइनल खेले हैं, 99 का फाइनल खेले हैं, आप खुद देख लें हमारी प्रोग्रेस देख लें। देखिए सम हाउ हमारा डिक्लाइन आया जब हम हमारे बोर्ड में मीडियोक्रिटी आई, जब आपके आपके जहनों में मीडियोक्रिटी आती है तो मीडियोक्रिटी में एक चीज़ बड़ी थ्राइव करती है, वो एवरेज बंदा है। एवरेज बंदा एवरेज काम करने की कोशिश करेगा। एवरेज इसलिए पसंद करता है आम बंदे को, आम टैलेंट को, क्योंकि उसको सूट करता है। मीडियोक्रिटी इज द किलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एवरेज बंदा लाते रहे, एवरेज लीडर लाते रहे, एवरेज कैप्टन लाते रहे, मिख निकाल दी उसने हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान डिक्लाइन में शुरू हुआ। 2002 से ये ट्रेंड शुरू हुआ, एक तेज़ खेलने वाले ने बर्बाद कर दिया, एक स्लो खेलने वाले ने बर्बाद कर दिया। तो इस इन बिटवीन में हमारा हीरो शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि हमारा हीरो शायद यूसुफ होना चाहिए था। आपके यहाँ तो हीरो बन गया सचिन, वहाँ पर तेज़ खेलने वाला हीरो क्यों नहीं बना? हीरो आपने वही रखा, उसी को फॉलो किया विराट को, उसी ने फॉलो किया रोहित ने, रोहित ने उसी को फॉलो किया ना। हमने मुंह उठा के खेलना शुरू कर दिया, ये मारो ये मारो, आज तक नीचे नहीं खेल रहे। सो मीडियोक्रिटी की वजह से पीसीबी की लीडरशिप देख लें, मैं खुलेआम बोलता हूँ, एवरेज फैसले करती रही, एवरेज काम करती रही। देखिए पीसीबी शुड नॉट रन एज अ पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं बार बार कह चुका हूँ, आधे आजकल वो बातें कर रहे हैं एसेट बिल्डिंग की, जो मैं 3 महीने से कह रहा हूँ, पीसीबी हैज़ टू रन लाइक ए कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के लिए आपको लेंडिंग हैंड चाहिए होगा, कंपनी के लिए आपको सिस्टर कंपनी बनानी होगी, आपको प्रॉपर्टीज़ में घुसना होगा, आपको ग्रॉसरी स्टोर बनाने होंगे। आपके साथ इंडिया नहीं खेल रहा, हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे इंडिया के पैसे पे? कब तक ICC के पैसे पे डिपेंडेंट रहेंगे? आपको एसेट बिल्डिंग में जाना होगा, आपके स्टॉक्स में जाना होगा, मैं स्टॉक्स के अगेंस्ट हूँ, आपको एसेट बिल्डिंग में जाना होगा। पहले आप अपना ब्रॉडकास्टिंग तो खुद शुरू करें। क्या BCCI अपनी ब्रॉडकास्टिंग खुद नहीं करती? करती है ना। क्या आप 7 से 8 बिलियन या 10 बिलियन आप नहीं बना सकते ब्रॉडकास्टिंग का, डिजिटल के आपके ऊपर राइट्स का 5 बिलियन नहीं बना सकते? आप वही पैसा उठा के आप प्रॉपर्टीज भी नहीं जा सकते। NFL में जाएं, आप मॉडल उठाएं, फीडर लीग्स बन रही हैं वहाँ पे, फीडर लीग्स, एक तो बड़ी लीग है ना, फीडर लीग्स आ गए। फीडर लीग्स में अगर आप उनके जाएं, उनके ग्रॉसरी स्टोर भी खुले हुए हैं, मर्चेंडाइजिंग ऑनलाइन की शुरू करें। आप जब तक ये काम नहीं करोगे, आप PSL, मैं बार बार ही कहता हूँ, अगर मौका अल्लाह ने दिया तो ये होगा, ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं पहले साल में अगर PCB चेयरमैन होता तो मैं पहले साल ही 4 टीमें लॉन्च करता। मैं 5 टीमों के पैसे, मैं 4 टीमों के पैसे लेता पहले, मैं एसेट बिल्डिंग करता अपनी। देखें श्वेता, वी आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। आपने भी अगर ICC के थ्रू पैसा रोक लिया हमारा तो कहाँ जाओगे? बात तो वरी है ना, बात तो परेशानी की है। मैं कह रहा हूँ काफ़ी पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, तोड़ो अकेडमियाँ शेडमियाँ छोड़ो, आप यहाँ पे होटल्स खड़े करो, बुटीक्स खड़े करो, अपनी मर्चेंडाइजिंग शुरू करो, अपने बोटिक्स हाल खड़े करो यार। जब तक पैसा नहीं आएगा हमारी क्रिकेट में, हमारा जब जो ही पैसा ड्राई आउट हुआ ना PCB से, हमारा हाल हॉकी से भी बुरा हो जाना है। ख्वाब की बात से आपने शुरुआत की थी और वहीं पर आए हैं जी। पाकिस्तानी टीम का सिर्फ ख्वाब है अभी हिंदुस्तान को बीट करना? और नहीं जी, 24th को 20 ओवर गिर रहे हैं, लग पता आपको भी जाएगा कि किसके बाद मैच पड़ा है। पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी टीम है, बॉलिंग आप अंडररेट कर रहे हो, आप हमारा मिडिल ऑर्डर अंडररेट कर रहे हो, हमारा ओपनर फ़खर एक चल गया, वो शर्जील भी आ जाता तो 10 में से 2 में 1 7 ओवर खेल जाता तो आपके पल्ले पड़ जाना था। देखें अल्टीमेटली आपको 20 ओवर खेल के जीतना पड़ेगा हमसे, हम वॉक ओवर नहीं है ना, आप वॉक ओवर हैं। आप पैसे लगा के यहाँ पहुँचें, हम अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचें और हम भी अपने पैसे लगा के पहुँचें, लेकिन देखें मैच तगड़ा होगा। मुझे सिर्फ एक वरी है, विकेट अच्छा बने। IPL में तो मैचेस आपने देखे, थोड़े यहाँ पे बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, दूसरी इनिंग्स में बॉल कुछ बेहतर आ रहा था, थोड़ा विकेट पे पेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 पे 200 चेज होना चाहिए। और पाकिस्तान हैज़ अ कैपेसिटी टू विन अगेंस्ट इंडिया एंड एज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट हम बहुत फ्यूरियस हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ, हमें आपसे ज़्यादा उन पर गर्मी है। पैसे के आधार पर पहुँचे? पैसे नहीं, वो मजाक है, मजाक से कह रहा हूँ, पैसे आधार पर नहीं पहुँचे।
देखिए मैं समझता हूँ कि अगर ये मुकाबला जैसे शोएब कहता है कि 200 रन अगर पाकिस्तान बनाती है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में, तुझे तो 2017 में नहीं लगा था कि वो तुम वही तो विक्रांत के साथ लग रहे थे, बातें करी जा रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग जीते हो। हाँ। अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए और अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैं रख रहा हूँ कि मुझे इंडियन टीम को, देखो आप भी एक्सपर्ट हो मैं भी एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, आपने रखा कि आपको लगता है पाकिस्तान जीत सकती है, और मैं अपना जो मेरी सोच कहती है कि अगर पाकिस्तान की टीम 200 रन बनाती है, 200 रन बना के तो कोई भी मैच जीत सकता है, बट वो 200 रन बनाएगा कौन? 200 रन बनाने के लिए पहले सपने से उठना पड़ेगा फखर, सपनों से उठोगे तभी सपने पूरे होंगे। क्या आज की डेट, आप डेट भी आप देख लो, टाइम भी देख लो, डेट क्या है मेरी, देखो यार यही बातें आप 2017 में करते रहे हो, मैं ये नहीं कह सकता आपको फिर मुंह की खानी पड़ी थी, इतनी बड़ी बातें मत करो यार, क्रिकेटर ना बात करो यार, देखो आपको कि हाँ अच्छा मैच होगा, बहुत बड़ा मैच होगा, बहुत बड़ा मैच होगा, करने की जरूरत है, फिर बात आपने कहा ना कि 200 रन बन जाएंगे, बेटा बेटा होता फिर आप मैच हार के 150 भी नहीं कर सके, तो फिर आपके काम के लिए था, उसका फिर बदला भी हो गया। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट, आप अच्छा क्यों ना मैं कह रहा हूँ, आप जीत सकते हो, आपको आप ये क्योंकि कोई भी जीत सकता है, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश भी जीत सकती है, कोई भी जीत सकता है, अफगानिस्तान भी, फिल्म नहीं बन रही है, मैच होने लगा तो जा रहे हो जनाब, आजकल जिधर मैच होते हैं फिल्म ही बन रही है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए, थैंक्स थैंक यू।